तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन का ये वीडियो। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हमें अगर कल्टीवेशन स्टार्ट करना है तो हमें ये आवश्यक है कि ऑयस्टर मशरूम के लिए हम वो प्लेस, वो रूम, वो जगह, वो स्ट्रक्चर को डिजाइन करें जिसमें इसकी खेती की जानी है, क्योंकि इसकी डिजाइन अगर परफेक्ट होगी तो हमारा कल्टीवेशन अच्छा होगा, हमारा प्रोडक्शन अच्छा आएगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इसका रूम स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। जैसे से फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि अगर हम अपने लिए कोई रूम डिजाइन करते हैं या अपना घर बनवाते हैं तो उस मकान में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि इसमें वेंटिलेशन कितना अच्छा है, उसमें एयर आने के लिए कोई जगह है कि नहीं है, इसमें अगर सर्दियां हैं तो धूप आ रही है कि नहीं आ रही है, इसमें छत पर ऐसा तो नहीं कि ये गर्मियों में तेज गर्म हो जाएगी। तो इन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए अपना मकान डिजाइन कराते हैं। ठीक उसी तरह हमें मशरूम के लिए भी अगर हम कोई कल्टिवेशन करने जा रहे हैं तो स्ट्रक्चर, उसका मशरूम कल्टिवेशन का स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन करना चाहिए ताकि उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो उसमें सारी चीजें उपलब्ध हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मशरूम कल्टिवेशन के लिए रूम स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करें। सबसे पहला है इसका रूम स्ट्रक्चर। तो यहां पर देखिए ऑयस्टर मशरूम कल्टिवेशन के लिए रूम स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करें ये समझते हैं। जब भी हम मशरूम की खेती करने जाते हैं तो हमारे हमें एक रूम या उसके लिए एक हट की जरूरत होती है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास या तो पक्का मकान हो सकता है या कच्चा मकान भी हम बनवा सकते हैं। तो कच्चा मकान या कच्ची झोपड़ी भी इसके लिए उपयुक्त रहती है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर हमारे पास पक्का मकान पहले से ही उपलब्ध है तो ठीक है। अगर हमारे पास पक्का मकान नहीं है या मान लीजिए रूम नहीं है या मशरूम कल्टिवेशन के लिए कोई भी जगह नहीं है तो हम कच्चा स्ट्रक्चर ही उसके लिए बनवाएं, क्योंकि अगर हम पक्का स्ट्रक्चर बनवाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग बहुत आएगी। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर हम कोई नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो कच्ची झोपड़ी या कच्ची हट ही बनवाएं, क्योंकि कच्ची झोपड़ी या हट उसके लिए ज्यादा उपयुक्त जगह होती है, क्योंकि उसमें वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है, एरिएशन बहुत अच्छा होता है, वो ठंडक भी करती है गर्मियों में। क्योंकि पक्का मकान में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मियों का सीजन आता है, वहां पर कल्टीवेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और एरिएशन यानी कि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम उसमें बहुत आती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जनरल मान लीजिए हमारे पास कोई भी या तो पक्का मकान है या मान लीजिए हम कच्चा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दोनों में पहली विशेषता ये होनी चाहिए कि उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर हो। ध्यान रहे कि मशरूम को क्रॉस वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए इस वॉल पर अगर ये विंडो है तो उसके अपोजिट वॉल पर एक विंडो होनी चाहिए। अगर ये छोटा एरिया है, अगर मान लीजिए एरिया बड़ा है, उसकी लेंथ ज्यादा है, तो हर 10 से 15 फीट के बाद एक 3x3 या 2.5x2 या 2x2 की विंडो कम से कम होनी चाहिए। अगर उसमें विंडो ऑलरेडी है तो ठीक है, और अगर हम उसमें विंडो नया बनवा रहे हैं तो ध्यान रहे कि जमीन से 2 से 3 फीट की हाइट पर होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी इसकी खेती, जब इसमें प्रोडक्शन आता है, फ्रूट्स आते हैं, तो ये हाई लेवल ऑफ CO2 रिलीज करते हैं, बहुत मात्रा में CO2 रिलीज करते हैं। उस CO2 को हमें इस रूम से बाहर निकालना होता है और उसी दौरान ताजी हवा यानी कि फ्रेश एयर यानी कि ऑक्सीजन हमें इसको सप्लाई देनी पड़ती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि CO2 बहुत हैवी गैस है, वो नीचे बेस में ही रहती है, तो उसको निकालने के लिए हमें इस एरिया में, हमारे विंडो में एग्जॉस्ट लगाना पड़ेगा, और ये एग्जॉस्ट जमीन से अगर 2 या 3 फीट ऊपर ही होगा तो वो बहुत अधिक, बहुत अच्छी तरह से एफिशिएंटली CO2 को रूम से बाहर करने में सक्षम होता है। एक तो था ये वेंटिलेशन, और ध्यान रहे वेंटिलेशन क्रॉस में हो, एक चीज। अगर छोटा सा रूम है तो केवल 2 विंडो से काम चल जाएगा, अगर रूम हमारा बड़ा है तो उसमें 10 से 15 फीट की दूरी पर एक 2x2 या 3x3 की विंडो हमारी जमीन से 2 से 3 फीट ऊपर तक होनी चाहिए। तो वेंटिलेशन का इसमें पहला स्टेप, पहला पॉइंट वेंटिलेशन था जो इसमें मस्ट है। अगर आपका वेंटिलेशन अच्छा नहीं है तो आपका फ्रूट्स का साइज श्रिंक हो जाएगा, वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज है इसका टेम्परेचर।
टेम्परेचर तकरीबन इसमें होना चाहिए 15 to 25 degrees centigrade। इसके अलावा ह्यूमिडिटी, ध्यान देने वाली बात यह है कि टेम्परेचर और मॉइस्चर इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। टेम्परेचर अगर इसका 15 to 25 है तो इसकी ग्रोथ बहुत आती है। अब जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑयस्टर की 3 से 4 स्पीसीज हैं, जैसे ऑयस्टर फ्लोरिडा, ऑयस्टर सजोर काजू, ऑयस्टर ऑयस्टेटस, ये मेन वैरायटी है जो इंडिया में जिनको कमर्शियली ग्रो किया जाता है। बाकी और भी वैरायटी है, जैसे पिंक ऑयस्टर हुआ, येलो ऑयस्टर हुआ, ब्लू ऑयस्टर हुआ, इनका कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होता, ये जनरली लोग अपने व्यक्तिगत यूज के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ऑयस्टर फ्लोरिडा है उसके लिए टेम्परेचर रेंज 15 से 25 डिग्री है। इसके अलावा अगर सजोर काजू है तो वो 28 डिग्री तक भी ग्रो कर जाता है। और ऑयस्टेटस है वो लो टेम्परेचर पर ग्रो करने वाली वैरायटी है, जो जब तेज सर्दी हमारे यहाँ पर होती है तो उस सीजन में हम उसको ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जो जनरली जो ज्यादा यूज होती है, ज्यादा ग्रो होती है वैरायटी, वो ऑयस्टर की फ्लोरिडा और सजोर काजू है। दोनों की इंडिया में डिमांड पर्याप्त मात्रा में होती है। तो ये थी टेम्परेचर रेंज। इसके अलावा दूसरा मॉइस्चर यानी कि ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का परसेंटेज जैसा मैंने आपको बताया 80 to 90% होना चाहिए। ये ह्यूमिडिटी कैसे इसके अंदर एनहांस करें ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ह्यूमिडिटी बढ़ाने के कई सारे तरीके हैं। पहला है फॉगर सिस्टम, जो इसकी सीलिंग में आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर में जब हम पॉली हाउस बनाते हैं तो वहां बहुत सारे फॉगर लगाए जाते हैं, क्योंकि फॉगर ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है जितने की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के बाकी दूसरे तरीके ऐसे भी हैं जिनमें हम जो पेस्टिसाइड स्प्रे करने वाला पंप आता है उससे भी हम ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन वो एक लेबोरियस वर्क है, उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा लेबर की आवश्यकता होती है। हम धीरे धीरे ऐसा प्रयास करें कि अपना जो प्लांट है वो ऑटोमेटिक बना लें, जिससे हमारा लेबर का जो एक्सपेंस है वो कम से कम हो और हम बाकी दूसरी चीजों पर ज्यादा ध्यान दे पाए। क्योंकि लेबर कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर हमने लेबर के भरोसे कुछ काम को छोड़ा तो वो आलस कर जाते हैं या कोई छुट्टी ले गए तो वहां पर वो परेशानी आ जाती है कि ह्यूमिडिटी कौन मेंटेन करे। इसका समाधान सबसे अच्छा यही है कि इसमें हम फॉगर लगवा देते हैं, जिसमें सिर्फ एक आपको बटन ऑन करना है और आपके पूरे रूम में केवल 10 से 15 मिनट में ह्यूमिडिटी जो हमारी रिक्वायर्ड है यानी कि 80 to 90% वो मेंटेन हो जाती है। एक सिस्टम ये है फॉगर सिस्टम, बाकी नॉर्मली जो मैंने मैनुअली आपको बताया और आपने देखा भी होगा, एक तीसरा सिस्टम और है, तीसरा तरीका और है जिसमें आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर शादियों में वो बड़े बड़े फैन चलाए जाते थे वाटर टाइप के, वाटर कूलर टाइप का था जिसमें एक राउंडेड एक पहिया लगा हुआ था, वो स्प्रे पानी को स्प्रे करता था, शादियों में अक्सर आपने देखा होगा, तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है ह्यूमिडिटी मेंटेन करने का। इसके अलावा आप अपने फ्लोर पर रेत की 1 से 2 इंच मोटी लेयर को डलवा सकते हैं, उसको पानी से गीला रखेंगे तो वो भी ह्यूमिडिटी मेंटेन करने में बहुत हद तक सहायक होता है। तो यहाँ पर ये थे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एरिएशन, तीन चीजें हैं जो इसमें की रोल प्ले करते हैं इसके प्रोडक्शन में। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि रूम का स्ट्रक्चर चाहे कच्चा हो या पक्का हो, हम इस तरह से डिजाइन उसको कर सकते हैं जिससे हमें किसी तरह की कल्टीवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी रूम स्ट्रक्चर का अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप या तो ग्वालियर आके ले सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, उन नंबर्स पर फोन लगा के आप हमें इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सर सावधानी बरते हैं तो हम लोग मशरूम फार्मिंग एक्सपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल सर, इसमें इन पॉइंट्स को पकड़ के, इन पॉइंट्स को कवर करके दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऑयस्टर मशरूम का बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। जैसे कोई पुअर इंसान पक्का मकान नहीं है, कोई झोपड़ी में या कच्चे मकान में, ऐसे सावधानी बरते तो हम फार्मिंग कर सकते। निश्चित तौर पर आपने सही सवाल किया कि हमने जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया है वो देश की जनता को, देश की किसानों को ध्यान में रखते हुए किया है, उसी लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि हमारे देश के किसान काम तो करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली कहीं ना कहीं उनके पास सपोर्ट नहीं होता, फिर वो किसी ना किसी तरह से, बाकी बहुत सारे भ्रामक कंपनियां जो आपको सिर्फ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बताएंगी, सिर्फ पक्के मकान में ही ये हो सकता है, इसमें बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो इसमें कुछ भी नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, कच्ची झोपड़ी बना लीजिए आपके घर के, आप बाहर कोई जगह पड़ी हो, कोई खाली जगह पड़ी हो, खेत पर भी बना सकते हैं। सस्ते से सस्ता स्ट्रक्चर आप उसमें तैयार कर लीजिए, इसमें आप मशरूम की खेती कर सकते हैं और अपनी इनकम को दुगना और अच्छे से प्रॉफिट ले सकते हैं। बिल्कुल अच्छा प्रॉफिट इसमें आ सकता है। और जरूरी है कि आप जैसे युवा अगर इस फील्ड में आएंगे, निश्चित तौर पर मशरूम का बहुत अच्छा भविष्य देश में तैयार होगा और देश का में एक अच्छा मार्केट इसका डेवलप। ओके सर, थैंक यू सर। अब हम बात करते हैं, हमारा रूम स्ट्रक्चर पहला स्टेप था, दूसरा अब कल्टीवेशन की जहां पर हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले चर्चा होगी इसके सब्सट्रेट की या इसकी रिक्वायरमेंट की, क्या क्या चीज किन किन चीजों की आवश्यकता इसमें होती है। किन किन चीजों की आवश्यकता इसमें होती है, तो सबसे पहले इसमें आता है स्पॉन, इसको सीड के नाम से लिया जाते हैं, सीड भी बोलते हैं मशरूम के लिए बीज। दूसरा स्ट्रो, इसको भूसा बोलते हैं, भूसा बोलते। तो इतनी चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्पॉन यानी कि मशरूम का बीज, मशरूम की बहुत अच्छी वैरायटी, मशरूम की जो स्पॉन हम परचेस करें वो ध्यान रहे कि एक तो प्रमाणिक कंपनी से हो, दूसरा ये इसकी क्वालिटी अच्छी हो, बिल्कुल वाइट कलर का दिखता हो स्पॉन हमें यूज करना चाहिए। तो देश में बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जो इसको प्रोड्यूस कर रही है, इनमें से हमारी कंपनी ओंकार इंडिया भी कंपनी है जो बहुत अच्छी क्वालिटी का मशरूम स्पॉन तैयार करती है, और अगर आप चाहें तो हमसे परचेज करके बहुत अच्छी क्वालिटी का मशरूम ग्रो कर सकते हैं। दूसरा है इसका स्ट्रो, स्ट्रो मतलब भूसा। भूसा हम आप अगर पूरे देश की बात करें तो हर एक देश में कोई ना कोई ऐसी फसल होगी जो हर एक क्षेत्र में होती है, जैसे गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, सरसों, सोयाबीन, कपास, ये फसल है वो हर क्षेत्र में, इनमें से कोई एक फसल तो होती होगी। इसका मतलब हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो आपको अपने क्षेत्र से ही कलेक्ट करना है। आपको अगर धान का भूसा सस्ता मिल रहा है तो आप धान का भूसा यूज कीजिए, गेहूं का भूसा सस्ता मिल रहा है तो गेहूं का भूसा आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर ज्वार, बाजरा और सरसों का भी भूसा सस्ता मिल रहा है तो हम इन भूसों, इनमें से कोई सा भी भूसा यूज करके अपनी कॉस्टिंग कम कर सकते हैं। तो किसी भी बिजनेस का अगर हम एक सक्सेसफुल मॉडल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहली शर्त यही रहती है कि हमें अपनी कॉस्टिंग को, लागत को कम करना है। तो लागत कम करने के लिए हमें अपना जो सब्सट्रेट है या रॉ मटेरियल है जिससे हम उसको खेती करना चाहते हैं उसको कम से कम अगर हम करेंगे तो हमारा जो लागत है वो कम आएगी और हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए स्पॉन बहुत सस्ते रेट में बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं, लेकिन हमारी जो कंपनी प्रोवाइड कराती है वो फर्स्ट जनरेशन का स्पॉन बहुत रीजनेबल रेट में उपलब्ध कराती है। तीसरा स्ट्रो मैंने बताया आपको, इनमें से कोई सा भी जो सबसे सस्ता मिले लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ध्यान रहे सस्ते का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी तरह का इन्फेक्टेड भूसा अपना इकट्ठा कर लें और उससे खेती कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि क्वालिटी मतलब उसमें बहुत पुराना या पानी खाया हुआ भूसा, पानी लगा हुआ भूसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गीला हुआ भूसा होता है तो उसमें इन्फेक्शन ऑलरेडी रहता है, फंगस रहता है। तो उसमें अगर बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, चमकदार भूसा होना चाहिए, बहुत पुराना ना हो, भले ही पुराना हो लेकिन सूखा होना चाहिए, 1-2 इंच साइज होना चाहिए। बिल्कुल 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 1-2 इंच के साइज का भूसे की रंडिया होना चाहिए ताकि जो हमारा माइसिलियम रन करेगा वो उसको फैलने में आसानी हो, ग्रो अच्छा होगा, बिल्कुल ग्रो अच्छा होगा, ठीक है ना। तीसरी चीज है केमिकल, केमिकल की जगह पे हम बॉयल वाटर का भी यूज कर सकते हैं, तो आपको जो सस्ता लगे वो यूज करिए। केमिकल में दो केमिकल आते हैं, फॉर्मिन दूसरा फंजीसाइड, फॉर्मिन बैक्टेरियासाइड है और फंजीसाइड भी है, दूसरा फंजीसाइड, फंजीसाइड भी कई तरह के आते हैं मार्केट में अवेलेबल है। ध्यान रहे फंजीसाइड हमें सिर्फ वो लेना है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 50% उपलब्ध,
कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 50% है, ऐसा फंगीसाइड यूज करना चाहिए, वेबस्टेन, थानोस्टेन, टैगस्टेन, बहुत सारे ब्रांड नेम के साथ ये अवेलेबल है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ वही उपयोग करना है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 50% हो। फॉर्मिन भी 6% का हमें यूज करना चाहिए। तीसरा चौथा ये पॉलिथिन है। पॉलिथिन पीपी बैग या पॉलिथिन में दो क्वालिटी आती है, पीपी या एलई, दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और पॉलिथिन का साइज थोड़ा सा जरूर मैटर करेगा, इसमें पॉलिथिन के साइज में आप जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें तीन तरह से कल्टीवेशन करते हैं, या तो फर्श पर रख के कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, या तो आप फर्श पर रख के कर सकते हैं, या आप हैंगिंग मेथड से कर सकते हैं, या तीसरा मेथड आपका होता है स्ट्रक्चर बनाने का इस तरह से। तो तीनों में से कोई सा भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉलिथीन की जो विड्थ है वो 16 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेंथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से, अगर आप हैंगिंग मेथड में यूज जा रहे हैं तो आप 2 फीट से ज्यादा का सिलेंडर वेग हमारा नहीं होना चाहिए। फर्श पर रख रहे हैं तो कम से कम 3-3.5 फीट का कर सकते हैं, और अगर स्ट्रक्चर बनाए कर रहे हैं तो उसमें भी 2 फुट की हाइट से ज्यादा का नहीं रखना चाहिए, नहीं तो रखने में या बैलेंस बनाने में परेशानी आती है। अगर फ्लोर पर रख रहे हैं तो आप हाइट 3-3.5 फीट तक भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि एक तो पॉलिथीन हो गया, दूसरा नेक्स्ट हो गया आपका रबर बैंड। तो रबर बैंड, नॉर्मल रबर बैंड हमें यूज करना है जो पॉलिथीन में लगाने के लिए उपयोग करेंगे। नेक्स्ट हाइग्रोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कल्टीवेशन करते हैं तो हमें ये अंदाजे से हम नहीं सोच सकते कि कितना टेम्परेचर कितना मॉइस्चर होगा, और हमें टेम्परेचर और मॉइस्चर का परफेक्ट बैलेंस रखना होगा तभी हमारा प्रोडक्शन अच्छा आएगा। तो इसके लिए हमें हाइग्रोमीटर की रिक्वायरमेंट होती है, ये मस्ट है, बिना इसके आप लोग कल्टीवेशन मत कीजिएगा क्योंकि उसमें समझ में नहीं आएगा आपको कि किस वजह से। हाइग्रोमीटर के बारे में बताइए, हाइग्रोमीटर का क्या होता है? हाइग्रोमीटर एक ऐसा मशीन होता है, मनीष हाइग्रोमीटर लेकर आया हूं, हाइग्रोमीटर एक ऐसा मशीन होता है, और मशरूम के बीच भी जरा लेके आऊंगा, दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से हम लोग मशरूम का स्पॉन का पैकेट और हाइग्रोमीटर दोनों लेके आएगा, ठीक है ना। तो मैं हाइग्रोमीटर बेसिकली, पहले हाइग्रोमीटर दे दो। तो हाइग्रोमीटर वो मशीन है जिसका उपयोग हम लोग टेम्परेचर और मॉइस्चर नापने के लिए करते हैं। इस मीटर को आप वैसे नेट पर भी अवेलेबल है, आप चाहे तो ऑनलाइन अमेजोन या किसी भी ऑनलाइन साइट से मंगा सकते हैं, और अगर आपको परेशानी हो तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको हाइग्रोमीटर उपलब्ध करा सकते हैं अच्छी क्वालिटी का, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस यही ध्यान देने वाली बात है कि हाइग्रोमीटर के बिना हमें इसकी खेती जो है नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें सही सही पता चलता रहता है कि टेम्परेचर और मॉइस्चर कितना है, अगर कम ज्यादा हो रहा हो तो हम उसको उसके बेस पर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है हमें मशरूम की खेती करने के लिए। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये देखिए ये हाइग्रोमीटर है। इस हाइग्रोमीटर को अगर हम ध्यान से देखेंगे इसमें 2-3 चीजें दिखाई देंगी। एक तो आपका ये ऊपर टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, ये 20.1 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है। दूसरा मॉइस्चर 76% दिखाई दे रही है, 77% ये चेंज हो गया, और क्योंकि अभी अंदर लेबोरेटरी में रखा था, इस लेबोरेटरी में हम लोग, हमारे पास जो लेबोरेटरी उसमें कॉर्डिसेप की खेती कर रहे हैं, उस कॉर्डिसेप की खेती के लिए टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होता है और मॉइस्चर 80% रखनी होती है। तो ये परफेक्ट शो कर रहा था इसके अंदर, और अभी इस रूम के टेम्परेचर के हिसाब से धीरे धीरे ये चेंज होना शुरू होगा। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो टेम्परेचर मॉइस्चर परफेक्ट होना चाहिए तभी हम इसकी खेती के मशरूम के सही और बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दिखाइए, इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये हमारा स्पॉन, ये मशरूम का स्पॉन है जो हमारी कंपनी द्वारा बनाया गया है, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का फर्स्ट जनरेशन का स्पॉन हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्योंकि तो मदर कल्चर से ही बनाते हैं। तो ये स्पॉन भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं हमारे कंपनी से, ठीक है ना। तो ये दो चीजें थी, बाकी भूसा जब हम कल्टीवेशन स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे भूसा की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल पीला चमकदार, अगर गेहूं का भूसा ले रहे हैं तो पीला चमकदार साफ होना चाहिए, पानी खाया हुआ गीला भूसा हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। बाकी इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन हमारा हो चुका है, अब हम एक्चुअल समझेंगे कि कल्टीवेशन स्टार्ट कैसे करते हैं। तो देखिए कल्टीवेशन स्टार्ट करने के लिए
सबसे पहले जैसे इन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो चीज हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि पहला स्टेप क्या है कल्टीवेशन का। पहला है सिलेक्शन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब भूसे का चुनाव कैसे करें। चुनाव के लिए मैंने आपको बता दिया गेहूं धान ज्वार बाजरा सोयाबीन कपास किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन साफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब सेकंड स्टेप है इसका स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि इसको इसके अंदर जैसे हम भूसा कहीं से भी लेके आ रहे हैं, पहले तो ये समझ लें कि जो मशरूम है हमारा बेसिकली वो एक फंगस है, लेकिन वो लाभदायक फंगस है, खाने वाला फंगस है। फंगस कई तरह के होते हैं, हानिकारक भी होते हैं, लाभदायक भी होते हैं। तो अगर आप नेचुरली नेचर में प्राकृतिक तौर पर देखोगे तो बहुत सारे हानिकारक फंगस हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जब भी हम कोई भी स्ट्रॉ लेकर आते हैं कहीं से भी, तो उसमें बहुत सारे ऐसे फंगस हो सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो पहले हमें उनको किल करना है, ठीक है ना। इसके बाद हम उसमें अपना फंगस यानी कि मशरूम उसमें डालेंगे जो हमारा जिस मशरूम को हम डालेंगे जो हमारा लाभदायक फंगस है, तो उसकी हम खेती स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन के लिए मैं एक छोटा सा मेथड बता देता हूँ, बाकी हमारे चैनल पर बहुत सारे और भी वीडियो पड़े हैं जिसमें लार्ज स्केल पर कल्टिवेशन या स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं ये भी बताया हुआ है। अभी हम चलते हैं कि स्मॉल स्केल पर हम कैसे काम करें। मान लीजिए कि हमारे पास एक 200 लीटर का ड्रम है, इस ड्रम में हम 150 लीटर तक पानी भरते हैं, ठीक है, 150 लीटर वाटर, 150 लीटर वाटर इसमें फिर क्या। अब इसमें 10 टू 15 केजी स्ट्रॉ। अब कब 10 केजी लेना है, कब 15 केजी लेना है ये बता देता हूं। इस सीजन के हिसाब से होता है, अगर आप गर्मी के सीजन में लगा रहे हैं तो केवल 10 केजी लगाइए, बहुत तेज सर्दी में लगा रहे हैं तब भी 10 केजी लगाइए, अगर टेम्परेचर 18 से 25 है तो आप 15 केजी लगा सकते हैं। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि अगर हम भूसे की क्वांटिटी ज्यादा लेंगे, हाँ मैं एक चीज और बताना भूलूंगा, इसमें सीड वन केजी, ठीक है। अगर हम 1 केजी सीड 10 किलो भूसे में लगा रहे हैं तो मान लीजिए कि टेम्परेचर हमारा फेवर में कम है, यानी कि या तो गर्मी बढ़ रही है या सर्दी बढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो उस हिस्से जो है क्या ध्यान देना होता है कि हमारा माइसिन जल्दी से जल्दी रन करे, तो इसलिए हम उसे क्वांटिटी थोड़ा कम कर देते हैं ताकि माइसिन हमारा तेजी के साथ रन करे। अगर टेम्परेचर 18 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम 15 किलो लगा सकते हैं, क्योंकि ये फेवरेबल कंडीशन रहती है, इससे माइसिलियम हमारा तेजी के साथ फैलता है। तो भले हम 15 केजी भूसा लगाएंगे तो हमारा माइसिलियम रन होगा।